Hi, my name is Tia and I am Kashi's elder sister. She insists me to make her favorite food, that is urad dal ki kachori and aloo ki sabji, and also she wants to make a video on this. So today I am making a video for her. So I will request you guys, please like and subscribe her channel. So here are the ingredients, that is urad dal, 4 to 5, you can take 4 to 5 green chilies, 1 tablespoon of jeera, and 2, I think near about 1 inch or 2 inch of garlic, sorry, ginger. Arre yaar. Ginger and a tablespoon of marich, that is black pepper. ओके तो मैंने यहाँ पे उड़द दाल जो है अभी ये ऐसा मैं आपको दिखा दे रही हूँ बट मैंने एक्चुअली ये सब भिंगो के रख दिया था उड़द दाल को लाइक 4 to 5 hours के लिए भिंगो के रख दिया था और उसके बाद मैंने भिंगोने के बाद जब वो फूल जाता है तो ये सारी जो इन्ग्रीडियंट्स है ग्रीन चिली जीरा और ब्लैक पेपर एंड जिंजर ये डाल के मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है सो ये अभी मैं इसको फ्राई करूँ नॉट फ्राई बट इसको भूजना पड़ता है ये हम यहाँ पे भी कढ़ाई गरम करेंगे तेल गरम करेंगे मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है जैसे ही ये थोड़ा गरम हो जाएगा हम उसमें थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा काला जीरा या फिर काला मंगरेल जिसे होता है कहते हैं शायद वो हम डालेंगे छौंक देने के लिए जस्ट इतना सा तेल जहाँ तक मैं मुझे लग रहा है तेल गरम हो चुका है तो मैंने इसमें थोड़ा सा काला मंगरेल डाल दिया है अब मैंने जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डालेंगे हम आंच को थोड़ा धीमा कर दे रहे हैं ताकि छींटे ना लगे हम इसे अच्छे से भूज लेंगे जैसे ही हम इसे मतलब इसे भूजना है जब तक ये पूरा ड्राई हो जाता है भूजते भूजते ये काफी ड्राई हो जाएगा स्टर करेंगे तब तक हमें इसे लाल होने तक भूजना होगा जैसा कि आप देख रहे हैं ये हल्का हल्का फ्राई होना चालू हो गया है रेड हो रहा है जबकि ये थिक हो जाता है थोड़ा कढ़ाई पे तब हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार ठीक है आप जिस हिसाब से जितना डाल लेंगे उसी हिसाब से नमक डालिएगा मैंने हाफ टेबल स्पून से भी थोड़ा कम ही दिया है नमक अब हम इसे मिलाएंगे मैंने गैस बंद कर दिया है क्योंकि ये अब जब जब समझ लीजिए ये स्टिक नहीं हो रही है हाथ पे तो इसका मतलब ये पूरी तरह से फ्राई हो चुका है मैंने कचौड़ी के लिए आटा गूंद लिया था इसमें है मैदा इक्वल प्रोपोर्शन में हम इसमें मैदा और सूजी डालेंगे और थोड़ा सा मोइन डालेंगे जिससे मतलब घी भी डाल सकते हैं या फिर रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं और हम छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे छोटी छोटी लोइयाँ लेके उसके अंदर पूर भर के इसकी पूड़ी बनाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये साइज़ की कचौड़ी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कचौड़ी कुक के पूर भर के रख लिए थे अब तेल मैंने कढ़ाई में एकदम गर्म होने के बाद उसे मीडियम फ्लेम पे करके मैं इसे छान रही हूँ अभी जैसा कि पूरियाँ जो है वो तल चुकी हैं मैं अब इसे निकाल लूँगी